सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। सफीदा शहर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां शहर के खानसर चौक के सड़क के बीचों बीच पानी के शिविर का ढक्कन खुला पड़ा है, जिस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आने जाने वाले राहगीरों और वाहनों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि खुले शिविर की वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं राहगीरों का कहना है कि ये शिविर पिछले 15 दिन से खुला पड़ा है, जिसको बंद करने की बजाय प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। ये खड्डा मैं मेरे ख्याल से 1 महीना और 3-4 दिन तो मुझे हो गया देखते हुए, और आज मैं 5-10 दिन बाद फिर आया हूँ, तो हमारे यहाँ टूर ट्रैवल का काम है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चलती है संस्था पानी पर, तो यहाँ पे ये स्टैंड है, बस स्टैंड है, यहाँ पे यात्री हजारों की संख्या में यात्री आते हैं, बच्चे भी बूढ़े भी बुजुर्ग भी ये खड़े हुए हैं यहाँ पे भी। और ये खड्डा मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, कई बार तो यहाँ पे गाड़ी आगे फंस जाती है, दो चार बार तो मैंने देखा कि आदमी गिरे हैं इसमें, क्यों नीचे ध्यान नहीं होता, ऊपर होता है और नहीं, आदमी का कई बार फ़ोन में ध्यान होता है, कोई बिजी होता है कोई, तो बीच में गिरे हैं, तो चोट लगने से एक दो को तो चोट भी लगी है। तो मैंने आज देखा जब आके, तो मेरे को फिर ये भाई बोलने लग गया कि भाई इसका कुछ समाधान करो, कि हाँ बहुत नुकसान हो रहा है, एक बार तो बच्चा गिर गया था इन्होंने बताया, वो उन्होंने निकाल लिया था, क्योंकि ये ज़्यादा इतना गहरा भी नहीं है, वैसे गिर गया तो वैसे कोई बच्चा गिर गया तो कोई बचेगा नहीं। देखिए ये राड भी लगी हुई है लोहे की, और नीचे ये जो कि प्रशासन की तरफ से ये जो कोर सेंट आया हुआ है ये पड़ा हुआ है, ये मेरे ख्याल काफ़ी दिन हो गए हैं पड़े हुए, वो बारिश पड़ रही है और जैसे अंधेरी भी चलती है तो ये उड़ रहा है, और फोर सेंट की जो सी ताकत है वो तो सारी इसमें जा रही है पानी बन बन के। इसी ऊर का खड्डा जी, इसमें लकड़ी भी गया है, इसमें खतरे का काम है, ये जो एक दो पत्ता भी गिर गया इसमें, तो इसमें अपने अपनी सरकार की भी क्यों बदनामी करवाओगे, तो प्रशासन से कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ, प्रशासन के उसमें ये है जी, अगर इसका समाधान होना चाहिए जी, इस खड्डे का, सीवर का खड्डा, ये खतरे का काम है। 15-20 दिन हो गए ऐसे खुला है, इसमें कोई गिरा भी है? नहीं गिरा तो नहीं है, बाकी गिर गया था ऊपर के ऊपर कच कर। तो ये मटेरियल भी पड़ा हुआ है इसको बनाने के लिए? ये इसके इसका मटेरियल, तो प्रशासन से कुछ कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई इसको बना दो। सत्य खबर के लिए सफीदों से राजेश रंगा की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।